जगविख्यात यात्राधाम अंबाजी में आगामी दिवसों में राज्य सरकार द्वारा 2000 करोड़ ना खर्चे विश्व नु सौथी मोटू शक्तिपीठ बनावानी प्रक्रिया शुरू कराई छे, जेने लईने श्री आरासुरी अंबाजी माताना देवस्थान ट्रस्टना चेयरमेन वरुण बरनवाल अने अंबाजी मंदिरना वहीवटदार सिद्धि वर्माना अध्यक्ष स्थाने प्रेस कॉन्फरन्सनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। 22 जान्युआरीथी अंबाजी मंदिर ट्रस्टनी अंबिका भोजनालय खाते एक वर्ष सुधी निःशुल्क भोजन भक्तोने मळी शकशे। साथे अंबाजी मंदिरनुं भंडोळ अने दाताओना सहयोगथी आ सदाव्रत शरू थशे अने अंबाजीनो प्रसाद पण घरे बेठा ऑर्डरथी मंगावी शकाशे अने आगामी दिवसोमां अन्य पण अनेक विविध सुविधाओं शुरू करवामां आवशे। तो जब पूरा देश राम मंदिर का सेलिब्रेशन कर रहा होगा उस समय अंबाजी में और अंबाजी मंदिर द्वारा कुछ व्यवस्थाएं हम करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम 22 तारीख की शाम को एक राम भजन की संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जो पटना के रहवासी हैं उनके द्वारा गुजरात साहित्य अकेडमी की मदद से हम एक राम भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। साथ साथ 22 तारीख को अयोध्या में जो प्रसाद का वितरण किया जाएगा वही प्रसाद जो है हमारे एक दाता के द्वारा अंबाजी मंदिर के अंदर भी और मंदिर ट्रस्ट द्वारा अंबाजी मंदिर में और आने वाले भक्तों को भी वितरण यहां पे किया जाएगा। साथ साथ उस दिन से लेकर एक वर्ष तक अंबाजी में आते सभी भक्तों के लिए मुफ्त प्रसाद और भोजन की व्यवस्था भी ट्रस्ट के द्वारा की जानी है। ये मैं अलग से बोल रहा हूँ, ठीक है।